गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? तो इसका जवाब सबको पता है, बिजली। जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अब ये बाधा दूर हो चुकी है। जी हाँ, ओडिशा के कटक में तारड़पाड़ा गांव में पहले बिजली नहीं थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती थीं। सुबह स्मिता काठुआ नतले पाठ पढ़ीबार सुविधा नथिला घरे लाए चार्ज लाए जब मोबाइल चार्ज करे होनथिला खरा दिन बहुत हैरान होथिले एबे लाइन रो सब सुविधा होछि बोली सरकार को बहुत धन्यवाद। गांव का बिजली तो पहले गांव का बिजली बहुत परेशान था, मतलब बिजली नहीं था, कुछ नहीं था। जब मैं बाहर में रहता हूं, जब गांव में आया है तो बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परेशान है। गांव दूसरा गांव में जाता है बिजली मोबाइल चार्ज करने के लिए, बहुत परेशान था। गांव में जब आएगा अंधेरा अंधेरा रहता था। जब गांव में बिजली के तार और खंभे लगे तो लोगों में खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उनके गांव में बिजली है, जिसका फायदा सभी ग्रामीणों को मिल रहा है। हम लोग का गांव का आदमी बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा है बिजली आ गया। जो फंक्शन कुछ भी होता था हम लोग का गाँव पे, कुछ नहीं हो पाता था, अभी करंट आ गया तो सब कुछ हो रहा है, आराम से ठीक से सब चल रहा है। अभी बहुत आदमी मजा से रहता है। सरकार को धन्यवाद देता हूँ, सरकार जो किया है हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत खूब किया है। मतलब हम लोग गाँव में बिजली दे दिया, उससे बड़ी बात क्या है। हम लोग गाँव में कितना परेशान में रहते थे, जब गाँव में बिजली आ गया सब आदमी बहुत खुश है, बहुत खुशी में रहता है। अभी जब किधर भी जाएगा भी उधर उजाला ही उजाला रहता है। अभी अच्छा लगता है हम लोग का गाँव में, बहुत खूब। DDU GJY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अब गांव में अंधियारा होते ही बिजली की रोशनी फैल जाती है।